इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 का जो है वो 2024 का बहुत बड़ा मुकाबला जो कि 9 तारीख को जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का बहुत बड़ा मैच खेला जाएगा। और ऐसे में किसमें कितना है दम और किसकी क्या ताकत है और किसकी क्या कमजोरी है, आइए चलिए जानते हैं। रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे, जायसवाल रहेंगे इनके साथ, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे जो फिनिशर के रोल निभाएंगे, जडेजा ऑलराउंडर रहेंगे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, यूजी चहल, अक्षदीप सिंह, मोहम्मद सिराज एंड जसप्रीत बुमराह। तो ये जो है वो टीम इंडिया का जो है स्लॉट होने वाला है। वहीं पाकिस्तान की बात करें, कुछ बॉलिंग का ऑप्शन जो है इन पे पहले जैसे हैं। वहीं कप्तानी जो रहेगी वो बाबर आजम के हाथों में रहेगी, इनके साथ रिजवान रहेंगे, उमर जाई रहेंगे। वहीं बॉलिंग के ऑप्शन के ऑलराउंडर नशीब शाह होंगे। उसके बाद बात करें तो शायद क्या कहते हैं मोहम्मद आमिर की जो है वो वापसी होने वाली है। नशीब शाह आपको दिखेंगे, शाहीन अफरीदी आपको देखेंगे, शताब खान की स्पिन देखने को मिलेगी। तो पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल जो है वो बराबर की टीम लग रही है। थोड़ी अगर इनका मिडिल ऑर्डर अगर अच्छा हो जाए तो ये जो है भारत को जो है वो पूरी जो है वो टक्कर दे सकती है। तो आपको क्या कैसा लग रहा है कि इन दोनों की जो है वो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग किस में जो है वो दम होने वाला है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।